हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छे सेटअप का वीडियो है, देख सकते हैं। इसका मेन टॉपिक है डीजे प्लस का जो 1000 वाट का टॉप है, जिसे लाइनर के जैसा यहाँ पे यूज़ किया गया है। और दूसरा जो मेन टॉपिक है वो अपना बेस है, ये आप देख सकते हैं, SWX 2600। और नीचे का जो बेस है डीजे प्लस का है, 2000 वाट का है। तो काफ़ी अच्छा सेटअप बन के तैयार हो गया है यहाँ पे। तो बने रहिए वीडियो में। इस वीडियो में आपको इस सेटअप का पूरा डिटेल्स बताऊंगा, साथ ही साथ हम इसका छोटा सा एक साउंड टेस्टिंग भी देखेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आपसे कहना चाहूँगा वीडियो को बिल्कुल लाइक करके जाना, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया और मैं इस टाइप का वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। ज़्यादा देर न करते हुए आइए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो इस सेटअप में जो टॉप का यूज़ किया गया है वो है डीजे प्लस का DRX 2150, जो कि 1000 वाट का RMS पावर वाला टॉप होता है। इसमें 450 वाट के दो स्पीकर लगे होते हैं और एक 100 वाट का HF लगा होता है। इस प्रकार से ये एक 1000 वाट के RMS पावर वाला स्पीकर सिस्टम बन जाता है, जो कि 4 ओम्स पे काम करेगा। और सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको बहुत ही अच्छा हाई फ्रिक्वेंसी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें का जो HF है उसका थ्रो काफ़ी ज़्यादा है और क्रिस्टल क्वालिटी आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो स्पीकर का यूज़ किया गया है वो 3 इंच वॉइस कॉइल के साथ में आता है। 450 वाट के स्पीकर होने की वजह से इसमें आपका काफ़ी अच्छा मिड फ्रिक्वेंसी मिल जाएगा, इसलिए काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मिड बेस के साथ साथ थ्रो भी काफ़ी अच्छा है इस वाले टॉप का। तो जो भाई यूज़ करते होंगे वो बिल्कुल नीचे कमेंट करते जाना कि इसकी क्वालिटी आपको कैसा लगा, ताकि हमारे YouTube फैमिली मेंबर्स को भी इसके बारे में पता चले। और इस सेटअप में जो है इस 4 टॉप का यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी स्लिम होता है। ये टॉप का चौड़ाई जो है उतना ज़्यादा होता नहीं है, जैसा कि आपका नॉर्मल टॉप होता है। कंपनी ने इसको लुक को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये टॉप ज़्यादा चौड़ा नहीं है, इसलिए भाई ने इसे लाइनर के जैसा यूज किया है इस सेटअप में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसे चलाने के लिए जो है यहाँ पर एम्पलीफायर का यूज़ किया गया है, वो है स्टूडियो मैन का SPA 4X8, जो कि एक 4 चैनल का एम्पलीफायर है, क्लास H एम्पलीफायर है। इसका टेक्निकल डिटेल्स ये आप देख सकते हैं, 1200 वाट पर चैनल इसका कैपेसिटी है। और यहाँ पे भाई जो है 1000 वाट के 4 टॉप चला रहा है पर चैनल 1 टॉप, जिसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा सुनने को मिल रहा है, क्वालिटी देगा। मेन रीज़न ये है कि एम्पलीफायर एक तो 4 ओम्स पे ऑपरेट हो रहे हैं, दूसरी बात हेडरूम के साथ चल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसमें आपका जे का जो सबसे नीचे का डुअल बेस है वो 220 डीजे प्लस का है, जिसमें RCS 1000 के स्पीकर लगे हुए हैं। इस प्रकार से डुअल बेस 2000 वाट का हो जाता है। और इसे चलाने के लिए जो है LXA 6000 का यूज़ किया गया है, 2000 वाट पर चैनल एट 4 ओम्स। और यहाँ पे 2000 वाट का एक डुअल बेस 1 चैनल पे और 2000 वाट का एक डुअल बेस 1 चैनल पे चला रखा है, क्योंकि ये बेस जो है 4 इंच वॉइस कॉइल में आता है, तो काफ़ी परफेक्ट मैचिंग यहाँ पे हो जाता है और काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी आपको इस टाइप के सेटअप में मिल जाएगा। नेक्स्ट सबवूफर आपने देखा, जो कि SWX 2600 है, जिसका 2 पीस का यूज़ किया जा रहा है। टेक्निकल डिटेल्स ये आप देख सकते हैं, 2600 वाट का डुअल बेस होता है, 1300 वाट के 2 स्पीकर लगे होते हैं। और पिछले कई वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते इसके बारे में। काफ़ी पावरफुल सबवूफर है, हाउजा का अब तक का सबसे ज़्यादा पावर का सबवूफर सिस्टम यही है। और इसे चलाने के लिए जो है LXA 7600 इस वाले एम्पलीफायर का यूज़ किया गया है, 2600 वाट पर चैनल इसका पावर है, 2600 वाट पर चैनल चला रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। तो इस प्रकार से सारे स्पीकर सिस्टम और एम्पलीफायर्स के बारे में आपने जाना कि किस प्रकार से ये चल रहा है। और इसे चलाने के लिए जो है एक 15 किलोवाट का जनरेटर का यूज़ किया गया है, जो कि 20 HP इंजन के साथ में आता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे 20 किलोवाट का कम से कम जनरेटर यूज़ करें, ताकि आपको अच्छा हेडरूम भी मिले जनरेटर में, और लाइटिंग वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं सेटअप में तो आप आसानी से उसे भी यूज़ कर सकें, क्योंकि इस सेटअप में जनरेटर जो है फुल लोड पर चल रहा है। तो इस टाइप के सेटअप के लिए मैं आपको 20 किलोवाट का जनरेटर रिकमेंड करना चाहूँगा, या फिर आप एक 15 किलोवाट और एक 10 किलोवाट का भी जनरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये सेटअप कंप्लीट हो जाता है। तो आइए अब इसका साउंड टेस्टिंग देखते हैं। हेडफोन का यूज करिएगा, ताकि क्वालिटी आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
लल्लू। इनको इंसाफ मिल रहा नहीं, खून भी बह गया। तो दोस्तों ये देखा आपने इस वाले सेटअप का साउंड टेस्टिंग। साउंड टेस्टिंग जो है मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया है। इस सेटअप की क्वालिटी काफी अच्छी है। अगर साउंड टेस्टिंग आप इसके सामने जाकर के सुनेंगे तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस वहां पे हो जाएगा। इस सेटअप की खास बात यह है कि इसमें जो टॉप का यूज़ किया गया है उसका लॉन्ग थ्रो भी अच्छा है और क्वालिटी तो है ही। साथ ही साथ यहाँ पे बेस जो है वो भी काफ़ी अच्छे यूज़ किए गए हैं। इसमें आपको पंच और वाइब्रेशन के साथ साथ थ्रो भी अच्छा मिलेगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करना। इनमें से आप किसी भी प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में भी नीचे कमेंट करते जाना कि वो प्रोडक्ट कैसा है, ताकि हम सबको इसके बारे में पता चले। सेटअप का डिटेल्स तो आपने जान लिया। अब आइए बात करते हैं इस सेटअप के प्राइस के बारे में कि अगर आप न्यू लेते हैं तो किस टाइप का आपको प्राइस मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इस टॉप की कि इसका प्राइस क्या पड़ेगा। तो प्राइस तो अभी सबका बढ़ चुका है और यहाँ पे इस वाले एक टॉप का प्राइस कम से कम आप 30,000 रुपये मान के चलें। मार्केट में आपको थोड़ा सा ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, तो अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस होते हैं। तो आप 30,000 से 32,000 रुपये मान के चलें एक टॉप का प्राइस। और जो ये एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर का प्राइस आप 48,000 के अंदर में मिल जाएगा। डीजे प्लस या स्टूडियोमेंट के डीलर से कॉन्टेक्ट करें इसे लेने के लिए। जो डीजे प्लस का रेडीमेड सबवूफर है जो कि 1000 वाट प्लस 1000 वाट, मतलब टोटल 2000 वाट का एक डुअल बेस होता है, इसका प्राइस जो है न्यू में आपको 80,000 रुपये पेयर मिलेगा। मतलब एक डुअल बेस का प्राइस आप 40,000 रुपये मान के चलें। और बात करें यहाँ पे 6000 वाट के एम्पलीफायर की, तो एलेक्सा 6000 जो है आपको मार्केट में 52,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। SWX 2600 इस वाले एक बेस का प्राइस जो है 60,000 के अंदर में आपको मार्केट में मिल जाएगा। LX-7600 इस वाले एम्पलीफायर का प्राइस 68,000 के अंदर में आपको मार्केट में मिल सकता है। प्राइस में थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट में भी प्राइस बढ़ चुका है। और जेनरेटर का प्राइस मैं यहाँ पे उसके पावर के हिसाब से शो कर रहा हूँ जो कि अप्रॉक्स प्राइस है। और जो प्राइस बता रहा हूँ वो विशाल भारत या फिर वी भारत, इस टाइप के कैटेगरी के जेनरेटर के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे प्राइस शो कर रहा हूँ। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करते जाना, और इस टाइप का वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप का डीजे सेटअप से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।